छतरपुर में हार्ट अटैक से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि निजी बैंक की दादागिरी और दबाव के चलते बुजुर्ग को अटैक आया। नाराज और आक्रोशित परिजनों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। छतरपुर में कोतवाली थाने के पठापुर रोड पर रहने वाले एक परिवार के सदस्य ने स्मॉल फाइनेंस बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया था। सिक्योरिटी के रूप में मकान की रजिस्ट्री बैंक में रखी गई थी। पीड़ित परिवार ने लोन का 9 लाख रुपए चुका दिया, पर बैंक मैनेजर लगातार 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था, जिसके लिए पीड़ित परिवार ने कुछ दिन की मोहलत मांगी, पर बैंक नहीं माना और बैंक कर्मचारी पुलिस के साथ पीड़ित परिवार के मकान पर पहुंचे और परिवार के सदस्यों के साथ धक्का मुक्की कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और मकान को सीज कर दिया। परिवार का आरोप है कि बैंक की इसी दादागिरी के चलते परिवार के बुजुर्ग चंद्रभान जैन की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने शव वाहन में शव रखकर कलेक्ट्रेट के सामने चक्का जाम कर दिया। शिकायत मिलने पर एडीएम ने एसडीएम को जांच के आदेश दिए हैं। धक्का दे दिया उनको, इसलिए उनकी मौत हो गई। बैंक वालों ने धक्का दिया, इटास बैंक। अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम चक्का जाम कर रहे हैं कि हमारा घर का ताला खुल जाए। इस भैया की मतलब पापा के भैया की डेथ हो गई है। बैंक वालों ने परेशान किया और हम लोग कहते रहे कि मतलब माफ कर दूं, मतलब कुछ समय का मोहलत दे दो। उन्होंने मोहलत नहीं दी और धक्के मारकर उन लोगों ने बाहर निकाल दिया। दो पुलिस वाले थे, लेडीज पुलिस कोई भी नहीं थी। पुलिस वाले अंदर घुसे, मम्मी को धक्का दिया था हमारी, दवाई लो नहीं उठाने दी, ना कपड़े उठाने दिए, कुछ नहीं उठाने दिए, ना मोबाइल का चार्जर उठाने दिया उन लोगों ने। स्मॉल फाइनेंस कंपनी है, बैंकिंग से रिलेटेड लिमिटेड कंपनी, उसके द्वारा देवेंद्र जैन को लोन दिया गया था 10 लाख रुपये का, और इसमें से इनके द्वारा इनके कहे अनुसार 9 लाख रुपए चुका दिया गया है। बैंक जो है प्राइवेट बैंक, उसके द्वारा घर को सीज किया गया है कि मामले की जांच के लिए एलडीएम को अधिकृत किया गया है और इसके बाद ही सारे तथ्य बताए जाएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।